कहता है कि वो अधिकार रखे। ये तो पहला वाक्य है, उसने कहा मनुष्य को बनाए और मनुष्य कैसा होगा। मनुष्य के बारे में पहली बात वो कहता है कि वो अधिकार रखे। देखिए अधिकार परमेश्वर के मन और योजना में इतना महत्वपूर्ण है। उसने कहा मैं मनुष्य को बनाऊंगा और वो अधिकार रखेगा। मनुष्य की खासियत क्या है, मैं उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाऊंगा और वो अधिकार रखेगा। This is my desire to honor you, Lord, with all my heart, I worship you. प्लीज मेरे साथ में निकालिए रोमियो अध्याय 5 और चलिए पढ़ते हैं वचन 17। रोमियो 5:17। क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के कारण मृत्यु ने उस एक ही के द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्मरूपी वरदान बहुतायत से पाते हैं, वे एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अवश्य ही अनंत जीवन में राज्य करेंगे। हम देख रहे हैं नई श्रृंखला, हम देख रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से और हम अध्ययन कर रहे हैं हम कौन हैं, हमारे पास क्या है और हम क्या कर सकते हैं।
छुटकारे के कारण यीशु मसीह में और उसके द्वारा। अब मैंने आपको पहले बताया कि परमेश्वर ने हमें बनाया है छोटे ईश्वर के जैसे सृष्टि के समय में ही, और फिर हमने नई वाचा को देखा है। हमने देखा परमेश्वर हमें बहुत कुछ देना चाहता था और यीशु मसीह के द्वारा उसने हमें दे दिया। और नया नियम जो हमारे पास में है, ये कुछ नहीं बस एक स्टेटमेंट है या वसीयत है जो कुछ भी परमेश्वर ने हमें दिया है। वसीयत देने वाला मर गया और इसी के कारण ये वसीयत सक्रिय हो गई। ये वसीयत देने वाला या जिसने ये वसीयत लिखी है, वो जो सब कुछ देता है, वो कलवरी के क्रूस के ऊपर में मरता है और ये जो नियम है सक्रिय होता है। और इसलिए मैंने आपको बताया था कि यीशु मसीह के मारे जाने और जी उठने के बाद में नई वाचा जो है शुरू की गई, और इसलिए पत्रियों की विश्वासियों के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बताती है हमारे पास क्या है, हम कौन हैं और हम क्या कर सकते हैं छुटकारे के कारण। और इसलिए हमने पत्रियां देखना शुरू किया, रोमियो से हमने शुरू किया, और हमने आपको यह भी बताया कि परमेश्वर हमें संत कहता है। लोग तो विश्वासियों को बहुत से नाम से पुकारते हैं, कई बार मैंने सुना वो पापी कहते हैं, धूल है, राख है, अच्छे नहीं, कुछ नहीं। लेकिन परमेश्वर ये नहीं कहता है, परमेश्वर कभी नहीं कहता, विश्वासी को पापी नहीं कहता। नए नियम में देखिए, आप प्रकाशन पाएंगे, परमेश्वर आपको संत कहता है। परमेश्वर ये मानता है कि वो संत है, यहां तक कि कुरिन्थियों की कलीसिया जो शरारती कलीसिया थी, वहां के संतों को संत कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर के पास भरोसा था कि वो क्या कर सकता है, उसने भले काम शुरू किया उसे वो पूरा करेगा। सारी असिद्धता और ये सारी बातें परमेश्वर से छिपी हुई नहीं है, ऐसा नहीं कि नहीं देखता, वो जानता है, लेकिन जानता है कि वो अच्छा काम कर सकता है, इसलिए वो हमें संत कहता है। और फिर हम इस बात का अध्ययन करने लगे, ये धार्मिकता, कि हम किस तरह से धर्मी बनाए गए हैं। हम इसके बारे में बहुत चर्चा कर रहे हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए मैं यहां पर इस पर ज्यादा समय बिताऊंगा, क्योंकि इसे एक दृष्टिकोण पर कि हमें धार्मिकता से अपने जीवन में राज्य और अधिकार करना है। ये तो यीशु मसीह की धार्मिकता को स्वीकार करने के परिणाम है। हम क्या कर सकते इसमें आता है, हम क्या हो सकते हैं, आज हम क्या कर सकते हैं, हम जीवन में राज्य और अधिकार कर सकते हैं। वचन 17 सच में ये कहता है, कुछ अनुवाद तो सच में इस तरह से अनुवाद करते हैं कि इसी जीवन में राज्य और अधिकार करेंगे, कुछ कहते हैं राजाओं के जैसे राज्य और अधिकार करेंगे जीवन में। तो हम आपको ये सारी बातें बता रहे हैं, और मैं पिछले 2-3 हफ्तों से दोष भावना के बारे में सिखा रहा हूं, कैसे ये लोगों के राज्य और अधिकार करने के बीच में आता है, कैसे ये आता और हम कैसे इससे पीछा छुड़ा सकते हैं। चलिए इसमें आज थोड़ा सा और आगे चलते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों ने नहीं सुना होगा इस राज्य और अधिकार करने के विचार के बारे में। ये कहां से आता है, ये कहां से शुरू होता है? कुछ लोग यहां पर बैठकर सोच रहे होंगे, मेरे प्रभु मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना है, अधिकार और राज्य करना ये सब किस बारे में है, ये कहां से है? तो चलिए आज मैं आपको कुछ वचन बताता हूं, बुनियाद रखते हैं जो हम अगले कुछ हफ्तों में देखने वाले हैं। चलिए मेरे साथ में निकालिए भजन 8, ये विख्यात भजन जो हमने देखा है, कई बार देखा, लेकिन चलिए फिर से देखते हैं भजन 8। मैं आपको दिखाऊंगा कि राज्य और अधिकार करना किस बारे में है। इसी के कारण रोमियो 5 में वचन 17 कहता है कि उसके कारण हम राज्य और अधिकार करेंगे, और इसी वचन में कहता है कि पहले मृत्यु ने राज्य किया, कुछ और राज्य कर रहा था, और यीशु मसीह और उसने जो कुछ किया उसके कारण अब हम राज्य और अधिकार करते हैं। पहले मृत्यु ने राज किया, अब हम राज्य करते हैं। मैं चाहता हूं कि आज आप जान ले कि मृत्यु ने राज किया का मतलब क्या है, और मृत्यु ने कैसे राज किया, और ये जीवन में राज्य अधिकार करना इसका मतलब क्या है। केवल जब आप समझेंगे कि मृत्यु ने राज किया इसका मतलब क्या है, तब समझेंगे कि जीवन पाना क्या है और यीशु मसीह के द्वारा जीवन में राज्य करना क्या है। यानी हम इन बातों को देखेंगे, और मेरे साथ निकालिए भजन 8 वचन 3। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा और तारांगण को जो तूने नियुक्त किए देखता हूं, जब मैं उन्हें देखता हूं जो तूने बनाए हैं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सिर पर रखा है।
अब भजनकार देखकर चकित है कि कैसे मनुष्य बनाया गया है। परमेश्वर ने मनुष्य को महिमा और प्रताप का मुकुट पहनाया। सूरज चांद तारे बहुत अद्भुत दिखते हैं, लेकिन मनुष्य ऐसे नहीं दिखता। लेकिन अंत में जब आप इसे बहुत अच्छे से देखते हैं कि मनुष्य सूरज चांद और तारों से बढ़कर है, वो सबसे उत्तम सृष्टि है। सच में परमेश्वर ने उसे महिमा और प्रताप का मुकुट दिया, इससे वो चकित है। और फिर वो कहता है वचन 6 में, तूने उसे अपने हाथों के कामों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है, तूने उसे प्रभुता करने दी है। मनुष्य प्रभुता के लिए बनाया है, मनुष्य राज्य और अधिकार करने के लिए बना है। और फिर ये कहता है यदि इस राज्य और अधिकार करने के बारे में अगर तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो फिर वो किसके ऊपर राज्य अधिकार करेगा? सब भेड़ बकरियां और जितने वन पशु हैं, आकाश के पक्षी और समुद्र की मछलियां और जितने जीव जंतु समुद्र में चलते फिरते हैं। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापमय है। यानी मनुष्य को परमेश्वर की सारी पृथ्वी के ऊपर में राज्य अधिकार करना है। और जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो यहां पर वचन 6 में है कि तूने उसे प्रभुता यानी प्रभुता दी है, परमेश्वर के हाथों के सारे कामों पर। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, हम ये समझते हैं, लेकिन अक्सर हम इस बात को नहीं देखते हैं कि परमेश्वर की सारी सृष्टि पर मनुष्य को उसके ऊपर प्रभु करके नियुक्त किया है। उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में नियुक्त किया है जो सारी चीजों पर राज्य और अधिकार करेगा। सब कुछ उसने उसके पैरों तले किया, उसे महिमा और प्रताप का मुकुट दिया है, उसे अधिकार और सामर्थ्य की ऐसी जगह पर रखा है, उसे इतना आदर दिया है कि मनुष्य को उन हर एक चीजों के ऊपर में राज्य करना है जो परमेश्वर ने बनाई है। इस पर विश्वास नहीं होगा, सच है ना? ये इसलिए क्योंकि सैकड़ों साल से चर्च ने इसका प्रचार नहीं किया है, चर्च ने राज्य और अधिकार का प्रचार नहीं किया। जब भी चर्च खुलता मैं वहां पर जाता था, संगीत बजाता, कई साल तक मैं वहां पर था, लेकिन मैंने कभी राज्य और अधिकार करने के बारे में नहीं सुना। जब 7 समुंदर पार करके मैं पढ़ने के लिए गया, उन्होंने बताया, मैं खुश हूं कि मैं गया, कि अब बस आप बस पकड़कर यहां पर आ सकते हैं और राज्य और अधिकार के बारे में सुन सकते हैं। 10 या 15 हफ्ते तक मैं राज्य और अधिकार करने के बारे में प्रचार करता हूं। यह अब इतना सरल हो गया है। यह सच है, मैं ये दोष लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन यह सच्चाई है, इसलिए आपको बता रहा हूं। यह ऐसे ही था। अब नहीं सिखाना तो ये एक बात है, बात तो यह है कि उन्होंने इसका उल्टा ही सिखाया। राज्य और अधिकार करना सिखाने के बजाय उन्होंने पूछा, तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? तुम्हें लगता है तुम प्रभु हो? तुम्हें लगता है तुम प्रभु जैसे हो सकते हो? पर पूरा विचार यह है, परमेश्वर ने हमें छोटे ईश्वर बनाया है, लेकिन उन्होंने उल्टा ही सिखाया, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम यीशु मसीह हो, परमेश्वर हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कर सकते हो? तुम्हारे पास सामर्थ है? मैंने एक बार किसी को ये कहते सुना, आज लोग इस तरह प्रचार करते हैं, मैं मसीह यीशु के द्वारा सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन आज मैं आपको बताऊं, मनुष्य तुम कुछ नहीं, तुम धूल हो, तुम राख हो, तुम कुछ नहीं हो। पता नहीं कहां पर से सुना, कहां कुछ लोग प्रचार करते हैं, खुश हूं कुछ लोग प्रचार करते हैं कि मसीह जो हमें बल देता है उसके द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं। अब इसके लिए हमें टीवी पर आने की जरूरत नहीं कि प्रचार करें कि आप धूल है और कुछ नहीं है। लोगों के पास में इसके बारे में पहले अच्छा विचार है, वो बड़ी आसानी से इस पर विश्वास करते हैं। यह कितना उभारने वाला होगा कि आप सुबह उठते हैं, टीवी ऑन करते हैं और वहां पर कोई कहता है कि तुम कुछ नहीं, केवल तुम मिट्टी और धूल हो। यह तो भयानक है, यह शुभ संदेश नहीं है। शुभ संदेश तो ये है कि परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हम अधिकार रखें, परमेश्वर ने हमें बनाया है कि हम अपने जीवन में राज्य और अधिकार करें। कब? यह नए नियम का विचार नहीं, ये तो विचार तो बिल्कुल शुरू से है। सृष्टि के पहले परमेश्वर ने इसके बारे में सोचा और मनुष्य को बनाया राज्य और अधिकार करने के उद्देश्य के लिए ही। जब लोग शादी करवाते हैं तो मैं उन्हें तसल्ली देता हूं, दूल्हे और दुल्हन को, वो तो बहुत ही नर्वस होते हैं, बस देखते हैं कि क्या होने वाला है। कुछ लोगों को पता नहीं शादी करें या फिर न करें, तो मैं उन्हें थोड़ा सा परिचय देता हूं। हमेशा मरकुस अध्याय 10 वचन 6 से 9 तक उनके लिए पढ़ता हूं, जहां ये कहता है कि आदि में जब परमेश्वर ने सृष्टि की तो नर और नारी करके बनाया, नर और नारी करके बनाया। बताता हूं, देखिए, विवाह ये मनुष्य का विचार नहीं, ऐसी कोई बात नहीं जो आई कहीं आगे जाकर। जब संस्कृति अच्छे से बढ़ती गई तो मनुष्य ने सोचा कि अच्छा है कि शादी कर लें तो बच्चों का जीवन अच्छा होगा। नहीं, विवाह परमेश्वर का विचार है। मनुष्य को बनाने के पहले प्रभु ने यह सोचा वैवाहिक जीवन के बारे में, पति पत्नी बच्चे और ये सब।
इसलिए ये निर्णय लेने के बाद में कि वो क्या होगा और वो कैसे जिएगा, और फिर उसने मनुष्य को बनाया और निश्चित किया कि वो मनुष्य को नर और नारी करके बनाया। और फिर मैं उनसे कहता हूं, इसलिए यहां पर एक स्त्री है और एक पुरुष है, क्योंकि प्रभु ने आपको शादी के लिए बनाया है। आप संसार में जन्म लेते हैं, बड़े होते हैं, फिर जीवन में आगे जाकर शादी करते हैं। शादी करने से डरने की कोई बात नहीं है, आप उसमें प्रवेश कर रहे हैं जो कि परमेश्वर ने आपके लिए पहले से योजना बनाई है, और उसने आपको इसके लिए बनाया। मैं उनसे कहता हूं ये काम करेगा, अगर विश्वास करे तो काम करेगा, ये काम करेगा क्योंकि परमेश्वर ने इसके लिए बनाया है। आप विवाह में जुड़ने के लिए बने हैं, मनुष्य को अकेला रहना अच्छा नहीं है, परमेश्वर ने आपको विवाह के लिए बनाया और ये काम करेगा, आप इसे जरूर देखेंगे। मैं उन्हें सच में देख सकता हूँ, सीधे हो जाते हैं और मुस्कुराते हैं, जानते हैं, नहीं तो बड़े तनाव में होते हैं। मैं कहता हूं आप शादी के लिए बने हैं, और जैसे कि आप विवाह के लिए बने हैं, मैं आपसे कहता हूं कि राज्य और अधिकार करने के लिए बने हैं। आप अधिकार करने के लिए बने हैं, आप सारी बातों पर राज्य करने के लिए बने हैं। ये बाइबल की सच्चाई है दोस्तों, लेकिन सैकड़ों साल से हमें बस नकारात्मक शिक्षा ही मिलती आ रही है। सैकड़ों साल से लोगों को बताया गया वो कुछ नहीं, केवल धूल और मिट्टी और राख है, तुम्हें कौन लगता है तुम कौन हो, और इस तरह का प्रचार। अब अगर आज आप कहते हैं आप राज्य और अधिकार करते हैं, तो उन्होंने जो सुना है उसके विपरीत ही दिखाई देता है, और वो आपकी ओर अजीब तरह से देखते हैं और आपकी ओर संदेह के रूप में वो देखते हैं। तो परमेश्वर ने हमें राज्य और अधिकार करने के लिए बनाया है। सब लोग कह, मैं जन्मा हूं राज्य के लिए, फिर कह, मैं राज्य करने के लिए जन्मा हूं, अधिकार करने जन्मा हूं, राज्य करने जन्मा हूं, राजा के रूप में जन्मा हूं। परमेश्वर ने आपको ऐसे बनाया है, इसे स्थापित करते हैं। और चलिए मैं आपको बहुत सी बातें बताऊंगा, क्योंकि जानते हैं लोगों के मन में बहुत सी बातें होती हैं जब ऐसे प्रचार करते हैं, तो कहते हैं देखिए भाई, जानते हैं बाइबल तो ये कहती है, और वो हर तरह से ये कहते नकारात्मक बातें। इसलिए मैं निश्चित करना चाहता हूं कि इसे मजबूती से देखें कि आप राज्य करने के लिए बने हैं। भजन संहिता 115, चलिए वचन 12 से आगे पढ़ते हैं। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, मुझे बहुत पसंद है, मतलब प्रभु हमारे बारे में सोचता है। देखिए इसे सच में उसका मन हम ही से भरा है। उसके मन में क्या है? आप और मैं प्रभु के मन में हैं। प्रभु हमें स्मरण करता है, वो हमें आशीष देगा, वो इसराइल के घराने को आशीष देगा, हारून के घराने को आशीष देगा, क्या छोटे क्या बड़े जितने यहोवा के डरवैये हैं वो उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए, बच्चों को भी। परमेश्वर ने निर्णय लिया कि आपको और आपके बच्चों को आशीष दे, बच्चों के बच्चों को, और ये सब वो बहुत आगे देखता है, कम से कम 3-4 पीढ़ी तक तो भी। इसलिए वो हमेशा कहता है अब्राहम, और वहीं पर नहीं रुकता है, इसहाक याकूब और सब कुछ कहता है। यानी परमेश्वर ऐसा है, चाहे हम ऐसा सोच रहे हैं या नहीं, लेकिन परमेश्वर हमेशा आगे की सोचता है। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। सब कह, मैं आशीषित हूं। प्रभु को पुकारते न रहे, मुझे आशीष दे। आप आशीषित हैं, ये समय कि विश्वास करने लगे कि आप आशीषित व्यक्ति हैं। आप पहले से आशीषित हैं, इसलिए हमारे इस प्रोग्राम के अंत में मैं दिखाता हूं कि आप आशीषित हैं। प्रभु आशीष दे ये नहीं, क्योंकि उसने पहले आशीष दी है, तो आइए इस तरह से कहे ताकि हमारे भीतर आ जाए, लोगों के दिल में आए। आप आशीषित हैं, आप पहले से ही आशीषित हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते, ये शुभ संदेश जो हम प्रचार करते हैं ये आशीष के बारे में है, कि परमेश्वर ने सच में यीशु मसीह में हर तरह की आशीष हमें दी है। ठीक है, वचन 16 देखिए। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। आकाश और पृथ्वी बनाने के बाद में परमेश्वर ने कहा ठीक है, मैं स्वर्ग में बैठूंगा, लेकिन आदम मनुष्य, मैं तो इस पृथ्वी के क्षेत्र को तुम्हारे हाथ में सौंपता हूं, तुम्हें मैं पृथ्वी के क्षेत्र को तुम्हें देता हूं, तुम यहां पर राज्य करो, तुम इसके अधिकारी हो, तुम इसके लिए मुख्य व्यक्ति हो। पृथ्वी का क्षेत्र मैं तुम्हें देता हूं तुम्हारे हाथों में, सारी सृष्टि तुम्हारे पैरों के नीचे रखता, सारी सृष्टि तुम्हारे वश में है, लेकिन खास करके मैं स्वर्ग में बैठूंगा और साथ में मैं तुम्हें पृथ्वी पर राज्य करने दूंगा। ये मानो ऐसा जैसे यदि आप बहुत धनी व्यक्ति हैं और आपके पास में कुछ बहुत बड़ी कंपनी है, आप अपने बेटे या बेटी को वहां पर रखना चाहते हैं और उन्हें अपनी जगह पर राज्य करते देखना चाहते हैं, और आप कहीं कोने में बैठकर इसे देखते हुए बहुत खुश होती हैं। हमारे परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और कहा ठीक है, तुम पृथ्वी को ले लो, मैं चाहता हूं तुम राज्य और अधिकार करो, मैं तुम्हारे हाथों में इसे देना चाहता हूं, मैं स्वर्ग लेता हूं, तुम पृथ्वी ले लो, तुम पृथ्वी के अधिकारी हो जाओ। विश्वास नहीं होता है ना, परमेश्वर ने मनुष्य के हाथों में सारी पृथ्वी दी। उत्पत्ति में देखिए, उत्पत्ति अध्याय 1:26, मैं दिखाना चाहता हूं कि हम राज करने के लिए जन्मे हैं, परमेश्वर ने हमें राज्य और अधिकार करने के लिए बनाया है।
वचन 26, फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वो अधिकार रखे समुद्र की मछलियों पर, आकाश के पक्षियों पर, पशुओं पर और सारी पृथ्वी पर, सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो भी पृथ्वी पर रेंगते हैं। चलिए शुरू से इसे पढ़ते हैं। परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए, अपनी समानता में बनाए और वो अधिकार रखे। और जैसे परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को बनाए, तो वो जिस मनुष्य को बनाने वाला था उसके लिए वो पहला वाक्य कहता है कि वो कैसा होगा, वो जो मनुष्य है वो कैसा हो जाएगा। उस मनुष्य के बारे में पहला वाक्य ध्यान दे, ये और कुछ नहीं है, ये तो बस कहता है कि वो अधिकार रखे। ये तो पहला वाक्य है, उसने कहा मनुष्य को बनाए और मनुष्य कैसा होगा। मनुष्य के बारे में पहली बात वो कहता है कि वो अधिकार रखे। देखिए अधिकार परमेश्वर के मन और योजना में इतना महत्वपूर्ण है। उसने कहा मैं मनुष्य को बनाऊंगा और वो अधिकार रखेगा। मनुष्य की खासियत क्या है, मैं उसे अपने स्वरूप और समानता में बनाऊंगा और वो अधिकार रखेगा। वो कह सकता था आओ मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाए और वो हमारी आराधना करे, कह सकता था, लेकिन कभी नहीं कहा। कह सकता था कि मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाए और वो हमारी सेवा करे, नहीं। उसने नहीं कहा कि आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाए और फिर देखते उनके साथ क्या करे, ये कैसे चलता है और वो कैसे इसे करते हैं, नहीं। उसने कभी नहीं कहा। उसने कहा मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाते हैं और वो पूरा अधिकार रखे। वो स्पष्ट है, गड़बड़ी में नहीं है, वो उद्देश्य से भरा है, कहता है ये मनुष्य के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं उसे बस अपने जैसे बनाऊंगा और वो तो अधिकार रखेगा हर एक चीज पर। एम्पलीफाइड बाइबल देखिए, सुंदर रूप में बताया है कि वो पूरी तरह से अधिकार रखे इन सारी चीजों पर। मनुष्य पूरा अधिकार रखे, मुझे ये विचार पसंद है। परमेश्वर ने कहा मैं मनुष्य को अपने स्वरूप समानता में बनाऊंगा और मनुष्य पूरा अधिकार रखे इन सारी चीजों पर। क्या यह अद्भुत नहीं। और फिर वचन 28 में मनुष्य को बनाता है। देखिए मनुष्य को बनाने के पहले कहता है कि वो अधिकार रखे, कि वो उसके समानता में बनाया गया और वो अधिकार रखे। वचन 28 ये बताता है मनुष्य को बनाने के बाद उसने क्या किया। परमेश्वर ने आशीष दी और कहा फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ और इसको अपने वश में कर लो और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। पता नहीं ये विचार कैसे छोड़ते हैं प्रचारक, पता नहीं क्यों इस पर जोर नहीं देते हैं। परमेश्वर इस पर जोर देना चाहता था, इसलिए बार बार कहता है। अगर वचन 26 में नहीं समझते हैं तो वो चाहता है कि इसे समझ लें वचन 28 में। अब बार बार वो कहता है अधिकार रखो, सब वश में कर लो, सब कुछ अपने अधीनता में लेकर आओ पैरों के नीचे और अधिकार रखो, कहता है। और फिर उत्पत्ति अध्याय 2 में चलिए, ये आगे बढ़ता है, कहानी आगे बढ़ती है। मैंने आपको बताया कि मनुष्य तो अधिकार करने के लिए बनाया गया है, मनुष्य अधिकार करने के लिए बना है, ठीक है। इसके लिए वचन की ये बुनियाद है। उत्पत्ति अध्याय 2 देखिए, उत्पत्ति अध्याय 1, 2 और 3 बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है क्योंकि ये बताता है सब कुछ कैसे बना है, उद्देश्य क्या था, उद्देश्य यहां पर प्रकट हुआ है। यदि अध्याय 1 और 2 देखें तो ये कहता है जो भी परमेश्वर ने बनाया उसे अच्छा कहा। अब जिसे परमेश्वर ने अच्छा कहा, अब कई बार तो हम उसी के ऊपर प्रचार करके ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये क्यों बुरा है। परमेश्वर ने जिसे भी अच्छा कहा है उसे मैं बुरा नहीं कहना चाहता, यदि प्रभु ने उसे अच्छा कहा है तो ये अच्छा है। Sufficient, it's an all-sufficient grace. Your power and your glory are forever on display. And your loving kindness is better than life. Oh, it's better. Oh, better than life. Oh. Better than life. Fairest of 10,000. Fairest of 10,000, of 10,000 you are fair. And nothing in this world could ever measure or compare to your loving kindness. Your loving kindness is better than life.
said, just, oh Lord, you're just in all your ways. And I will lift my hands, oh Lord, with gratitude and praise for your loving kindness. Loving kindness better than life. Oh, 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 it's better. Oh, 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 it's better than life. Oh, 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 so much better. Jesus, your love and kindness. Oh, 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 it's better. Oh, 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 better than life. Than life. Just think about his loving kindness to us. Think about how he has been good to you, loving to you. Sing this with me. Jesus, your loving kindness is better than life. Itself better than life itself. Jesus, your loving God is better than life itself. It's better than life. Jesus, Jesus. Your loving kindness is better.